साल बाद वीडियो डाल रहा हूँ और आज एक साल बाद बहुत ही खास दिन है। आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर हमारा कोई ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है, कोई रिलीजियस हॉलीडे नहीं है। आज विंटर आर्क का पहला दिन है और ये हमारे जिम जाने वाले भाइयों को पता है कि विंटर आर्क क्या है। आज से हमें एग्जैक्टली 92 से 93 डेज मिलेंगे बल्किंग करने के लिए 1 जनवरी तक। और आज हम अपने मील्स प्रिपेयर करेंगे, सारा मील प्रेप करने के बाद डाइट पे बात करेंगे, आपको डाइट का बताऊंगा, इजी तरीका बल्किंग का, इजी तरीका अराउंड 2800-3000 कैलोरीज। और प्रोटीन पूरा करने का शॉर्टकट, वे प्रोटीन की भी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं वे प्रोटीन की, ठीक है। अभी हम घर जा रहे हैं और जाके अपने मील का सामान खरीदेंगे, कोई 5-6 दिन का सामान हम लेके उसको तैयार करके मैरिनेट वगैरह करके, मैं बताऊंगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। फिर आज हम अपनी रूटीन में शेक्स ऐड कर देंगे, लिक्विड कैलोरीज का बहुत बड़ा काम होता है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, उससे आपको जो हार्ड गेनर्स होते हैं उनके लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भी बल्किंग करनी है और मेरा गोल है कि मैंने 80 kg को टच करना है। अभी मैं 80 kg से काफ़ी नीचे फिर रहा हूँ, 93 डेज में तो 80 kg टच नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हम क्लोज जा सके, जितना नियरेस्ट जा सके हमने जाना है। और आपको अपने जिम ब्रो से भी मिलवाऊंगा, वो 80 kg का है और कहता है मैंने अभी भी बल्किंग करनी है, बाज नहीं आ रहा, कहता है 100 kg तक नहीं, 80 kg का नहीं, 85 kg का है और 15-16 साल का है, उसने भी बल्किंग करनी है और कह रहा है मैं 100 kg का होने के बाद कट करूँगा, पता नहीं वो क्या चाहता है। बहरहाल जिम जाएंगे, अपने मील्स का सामान लेंगे, उनको प्रिपेयर करेंगे, प्रॉपर बताऊंगा क्या सीन करना है डाइट का, कितनी कैलोरीज लेनी है, किस तरह पूरी करनी है, इजी तरीका विदाउट वे प्रोटीन। वे प्रोटीन की ज़रूरत ही नहीं, प्रोटीन पूरा करना कोई मसला ही नहीं, इजीली पूरा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल? मैं ठीक, आप कैसे हो? क्या दिन है आज? आज ट्यूसडे है, विंटर आर्क का पहला दिन। यार बड़े फास्ट हो तुम, मुझे लगा तुम्हें नहीं पता होगा। पता तुम्हें, मुझे लगा तुम कहोगे यार मुझे पता ही नहीं क्या है। नहीं नहीं, आज का दिन किसको नहीं पता। अच्छा तो अभी हम किधर जा रहे हैं, ये पकड़ो ना जरा, बनाओ व्लॉग, किधर जा रहे हैं भला हम? यार डाइट शायद लेने जा रहे हैं अपने लिए। तुम्हें ये भी पता है? तुम्हें सब कुछ पता है, बड़े समझदार हो। अच्छा यार सीन ये है कि जो सबसे पहली चीज हमने परमानेंट अपनी डाइट में ऐड रखनी है ना बासिल भाई, क्या है वो? चिकन। चिकन जिंदाबाद ब्रेस्ट, ठीक है। उसका जो 200 ग्राम का पीस है ना, उसमें 65 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 2500 कर लोगे तो 78 और अराउंड 9300 तक 90 हो जाता, मतलब है। मतलब 100 ग्राम जो है ना उसमें आपको 31 ग्राम मिलते हैं। हाँ तो आप देख लो, मतलब 2500 ग्राम तक स्टेक का पीस ठीक रहता है। बाहर से भी जब आप स्टेक खाते हो ना तो उसमें आपको इतना 250 ग्राम 220 ग्राम का स्टेक का पीस मिलता है जो आराम से खाया जाता है। लेकिन अब हम हैं बल्किंग पे, हमने अराउंड 250 से 300 के बीच में रहना है, 250 से कम नहीं आना। तो सीधा सीधा 70-80 ग्राम प्रोटीन तो ऐसे ही पूरा हो जाना है ब्रेस्ट पीस से, और लेना ब्रेस्ट पीस है ये लाजमी है। ऐसा अब क्या करते हैं, देते हैं ब्रेस्ट पीस जाके, अभी 1 kg लेंगे 4 पीस, उसको हम देखते हैं 250 ग्राम या 300-300 ग्राम के पीस बनवा लेंगे। आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, आप अलफतेह जाओ, आप इम्तियाज़ जाते हो, आप रेनबो जाते हो, आप कारफोर जाते हो, हर जगह पे ब्रेस्ट पीस पड़े होते हैं, इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। उनको बासिल भाई की स्पेशल मैरिनेशन करेंगे, वो हम तैयार करके रख देंगे मैरिनेट करके। उसके साथ हम 150 ग्राम या नहीं 150 ग्राम राइस, बॉइल्ड वाइट राइस कर लेंगे, साथ पोटैटोज होंगे क्योंकि हम बल्किंग पे हैं तो वो कोई मसला नहीं। तो ये एक मील हमारा तैयार हो जाएगा डेली, बस आपने साथ बॉइल्ड राइस का तो कोई मसला नहीं होता, डेली बस आपने बॉइल्ड राइस लेने हैं, साथ पोटैटोज भी फ्रेश आपने बॉइल कर लेने हैं, उनका भी कोई मसला नहीं। तो ये एक मील डेली का तैयार है, डन है ना। उसके अलावा एक जगह पे हम ऐड करेंगे शेक, शेक में हमारे आएंगे ओट्स, ओट्स हमने डालने हैं 70 ग्राम। उसके अलावा हम उसमें डेट्स ऐड करेंगे 2-3, उसमें आलमंड्स ऐड करेंगे, और अराउंड 300-400 ml मिल्क होगा। एक गिलास से ज़्यादा रखना है, एक गिलास कुछ भी नहीं है, एक गिलास बंदा वैसे ही पी जाता है, एटलीस्ट 1.5 से 2 गिलास होने चाहिए। उसके अलावा हम उसमें आप टेस्ट के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हो, हनी ऐड कर सकते हो या जो आपका दिल करता है। ये दो चीज़ें मस्ट हैं, इससे सीधी सीधी आपकी 1500-1600-1700 कैलोरीज तो आराम से सीधी सीधी पूरी हो जाएंगी। और अगर वे प्रोटीन आप यूज़ कर रहे हो उसको हम एंड पे रखेंगे, वे प्रोटीन को भी हमने शुरू में नहीं लाना, वो हम क्योंकि हर बंदा यार नहीं अफोर्ड करता, हमने उसके बगैर अपना डाइट प्लान पूरा करना है। बाकी हम अगला मील आपको बताते हैं, अभी हम पहुंच गए हैं, यहाँ से हम अपने चिकन ब्रेस्ट पीस ले लें, वो आपको दिखाते हैं,
कि ये वाले लेने हैं प्रॉपर, आज आपको तरीका बताना है। आज अपनी सारी मील प्रेप करके हमने रख लेनी है डेली, बस एक पीस निकाला मैरिनेट हुआ पड़ा होगा उसको तैयार किया ओवन में रख दिया, ग्रिलर है ग्रिल है आपके पास उस पर ग्रिल कर दिया जो आपको सूट करता है। साथ हमने राइस यूज करने हैं, पोटैटो यूज करने हैं, एक मील हमारा इस तरह ये तैयार हो गया। अंदर जाते हैं आपको दिखाते हैं लेने हैं। वासिल भाई ये वाला लेना है, किधर लिखा हुआ है ये बोनलेस चिकन? 1200 नहीं, हम कौन से लेते होते हैं ये वाले, ये पड़ेगा चिकन ब्रेस्ट नहीं यार, पीसेस बनाने हैं या सिर्फ दरमियान आप कर देना है, दो पीसेस होंगे ना 500 ग्राम के या 600 ग्राम के, जिस तरह स्टेक पीस होते हैं ना उस तरह आप कोशिश करना 2.5-2.5 300 ग्राम के बन जाए तो सही है। 1 kg चाहिए? हाँ 1 kg चाहिए, 1200 ग्राम मैक्सिमम हो जाए। इस तरह बंदा आराम से इजीली रेडी करवा सकता है इनसे वेट बता के। 1.1 इसके अंदर वो हड्डी भी होती है उसको निकाल दीजिएगा ना। और कुछ सर? थैंक यू, हमारा प्रोटीन तैयार है। वासिल भाई ये सारा प्रोटीन आप खाओगे? जी जी, मुझे भी दे देना यार। चलो यार चिकन तो आ गया, रोज़ एक पीस विद राइस और पोटैटोज, और साथ हमने बनानास भी ले ली हैं। अब चलते हैं जनाब घर। अच्छा ये नहीं है कि हमने सिर्फ चिकन ही लिया है, बाकी सामान हमारे पास ओट्स वगैरह और जितनी भी चीज़ें हैं ना वो हमारे पास मौजूद हैं, शेक का भी जो कुछ है। अच्छा ये दो चीज़ें मैंने जो बताई हैं ना ये तो वो है जो कंपलसरी लेनी लेनी है, ठीक है। उसके अलावा डेली जो घर में मील चल रहे हैं, क्योंकि ये ईजी प्लान है, देखो फिक्स रूटीन, बंदा कहता है यार ये रह गया वो रह गया, यहाँ बिजी था, किसी की जॉब है, किसी की यूनिवर्सिटी है, किसी का स्कूल है, तो टाइमिंग फिक्स नहीं हो पाती। तो ऐसी चीज़ें करनी है कि दो चीज़ें हमने फिक्स कर दी हैं जो कि इजी हैं, बाकी आपके घर में मील्स बनते हैं आपने 3 times मील्स लेने हैं। अभी मैं अंडों पे भी आऊँगा, केलों पे भी आऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, वो सारा कुछ लेना ही लेना है। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ना जिसने आपका डायरेक्ट प्रोटीन पूरा कर देना है चिकन ब्रेस्ट ने, ठीक है, और कैलरीज के लिए आपने शेक ले लेना है, उसकी आपको एक एट अ टाइम हाई कैलरीज मिल जाएंगी ईजिली जो आप पी सकते हो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मस्ट हैं, उसके अलावा डेली आपके घर जो कुछ बन रहा है वो आपने लाजमी लेना ही लेना है, 2-3 मील्स आपने इसके अलावा लेने हैं। तो सीधे सीधे आपके ये 5 अच्छे मील्स तैयार हो गए हैं जिसमें आपकी कैलोरीज भी आ रही हैं और आपका प्रोटीन भी पूरा हो रहा है। बाकी बॉयल्ड एग्स हर बंदा नहीं खाता, लेकिन बेस्ट चीज़ है, बहुत बेस्ट चीज़ है और बहुत आपको फ़ायदा होता है उसका। डेली 4 तो यार 4 मैं कम बता रहा हूँ, लेकिन 4 मस्ट है, मिनिमम 4 से ज़्यादा खा सकते हो खा लो, होल एग्स खाओ। लोग छोड़ देते हैं येलो पार्ट, उसकी जर्दी छोड़ देते हैं, वो गुड फैट्स हैं, वो बैड फैट्स नहीं है, वो हेल्दी फैट्स हैं, वो लाजमी खाने हैं, ठीक है। और आधा प्रोटीन तो आपके येलो में ज़ाया होता है, योक में जो लोग फेंक देते हैं वो खाना है आपने। ऑब्वियसली मैं कंपटीशन वालों की बात नहीं कर रहा, उनका अलग गोल होता है, अभी हम बल्किंग में हैं, हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है ये, हमारा गोल फिजिक अचीव करना है। तो ईजिली सुकून से ये 3-4 चीज़ें ऐड करो, अंडे डेली 4 ऐड कर लो बॉयल किसी भी टाइम, साथ अगर स्कूल जाने वाले हो यूनिवर्सिटी जाने वाले हो अपने लंच में साथ 4 बॉयल एग्स रखो, साथ सैलेड बना लो रेड बीन्स वाला, ठीक है, वो इजी है। डेली एक बॉक्स वो ले जाओ, घर आओ अपना स्टेक और विद राइस खाओ, ये चिकन ब्रेस्ट साथ पोटैटोज होंगे, ये एक ईजी मील हो गया। सुबह जाते हुए शेक ले लो, अगर सुबह नहीं समझ आ रहा तो जिम से घंटा पहले ले लो, उसका ये फ़ायदा होगा कि वर्कआउट करने में आसानी होगी, कैलरीज आपकी पूरी हुई होंगी, एनर्जी मिल जाती है। ओट्स बहुत अच्छे हैं अगर आपने हैवी लिफ्ट करना है या कुछ भी, तो जिम से 45 मिनट्स या घंटा पहले लाजमी वो शेक ले लो, और जिम के बाद आप प्रोटीन ले सकते हो, वे प्रोटीन अगर आपके पास है। सप्लीमेंट्स पर मैं बाद में आऊँगा, उस पर मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि हम क्रिएटिन पे भी बात करेंगे और वे प्रोटीन पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा पहला गोल है कि इजीली इजी एक्सेस के साथ हमने अपने मील्स पूरे करने हैं। सामान हमने ले लिया है, मैरिनेशन वगैरह करेंगे, जिम जाएंगे। बस भैया क्या ट्रेन करना है आज? आर्म्स है, एल्बो में, फिर भाई ने मुझे पंजे में हराया था, बहुत बुरा किस्म का, तब से मुझे दर्द हुई हुई है भाई, कहते हैं मैंने प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग सीखनी है। चलो देखते हैं, डिसाइड करते हैं, आज हम आर्म्स कर लेंगे, वर्कआउट स्प्लिट पे भी बात करेंगे। अभी इस वीक हमने वर्कआउट स्प्लिट प्रॉपर नहीं चूज़ किया हुआ क्योंकि हमारे बीच में छुट्टियां हो गई थी, तो बहरहाल आज 1 अक्टूबर से हमने रेगुलर हो जाना है अपनी डाइट में भी और अपने वर्कआउट में भी। बासिल भाई आपने साथ देना है, बस अपनी नहीं साथ हम कोई रोल नहीं। इस दिन आपने छुट्टी की, मैंने आपको घर आके कुटना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही है, जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक हो गया सर, ठीक है, ओके फिर।
अच्छा ये नहीं है कि हमने सिर्फ चिकन ही लिया है, बाकी सामान हमारे पास ओट्स वगैरह और जितनी भी चीज़ें हैं ना वो हमारे पास मौजूद हैं, शेक का भी जो जो कुछ है। अच्छा ये दो चीज़ें मैंने जो बताई हैं ना ये तो वो है जो कंपलसरी लेनी लेनी है, ठीक है। उसके अलावा डेली जो घर में मील चल रहे हैं, क्योंकि ये इजी प्लान है, देखो फिक्स रूटीन, बंदा कहता है यार ये रह गया वो रह गया, यहाँ बिजी था, किसी की जॉब है, किसी की यूनिवर्सिटी है, किसी का स्कूल है, तो टाइमिंग फिक्स नहीं हो पाती। तो ऐसी चीज़ें करनी है कि दो चीज़ें हमने फिक्स कर दी हैं जो कि ईजी हैं, बाकी आपके घर में मील्स बनते हैं, आपने तीन टाइम मील्स लेने हैं। अभी मैं अंडों पे भी आऊँगा, केलों पे भी आऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, वो सारा कुछ लेना ही लेना है। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ना जिसने आपका डायरेक्ट प्रोटीन पूरा कर देना है चिकन ब्रेस्ट ने, ठीक है, और कैलरीज के लिए आपने शेक ले लेना है, उसकी आपको एक एट अ टाइम हाई कैलरीज मिल जाएंगी ईजिली जो आप पी सकते हो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मस्ट हैं। उसके अलावा डेली आपके घर जो कुछ बन रहा है वो आपने लाजमी लेना ही लेना है, दो से तीन मील्स आपने इसके अलावा लेने हैं। तो सीधे सीधे आपके ये पांच अच्छे मील्स तैयार हो गए हैं जिसमें आपकी कैलोरीज भी आ रही हैं और आपका प्रोटीन भी पूरा हो रहा है। सो गया था और अभी मैंने उठ के देखा है ओट्स ही नहीं पड़े हुए, मुझे लगा ओट्स पड़े हुए हैं, जल्दी से जाते हैं ओट्स लेते हैं और अपना शेक बनाते हैं वो पीते हैं, फिर बासिल भाई को लेके दस्ती जिम। वेलकम सलाम, चले जिम? चलो, मेरे तो बाजू में दर्द हुई है, आप मुझे जिम लेके जा रहे हैं, क्या प्लान है अपना? बाइसेप नहीं लगाते भाईजन, कुछ भी लगाएंगे बाजू में तो दर्द होनी होनी है मुझे, क्या करें आप? लेग्स लगा लो। नहीं यार मैं वो बंदा नहीं हूँ जो लेग्स नहीं लगाऊ, मैं लगाता हूँ। आज मैं सोच रहा था आपको वर्कआउट कराता हूँ, क्या ख्याल है? नहीं भाई, वो आप बताए ना जरा, जब आपको वर्कआउट कराता हूँ तब क्या होता है? अच्छा होता है, मतलब वो ये ऑब्वियसली सारा कंसंट्रेशन मेरे ऊपर होती है। जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करता ना उस दिन मैं इसको वर्कआउट कराता हूँ। आज असल में हम लोग विंटर आर्ट का पहला दिन मना रहे थे, हमने जरा अपनी डाइट का ख्याल वगैरह रखा है, हमने कहा जरा बल्किंग को एक स्टार्टअप देते हैं, और प्रोटीन इंटेक तो हमारा पूरा हो चुका है तकरीबन, अभी जिम के बाबा से एक मील और लेंगे तो हमारा कैलोरीज इंटेक भी पूरा हो चुका होगा।